अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, यहाँ पर हम सूजी और बेसन के लड्डू बना रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसन है, तकरीबन ये हमारे पास 1 कप है, तो हम 1.5 कप बेसन डालेंगे और 1.5 कप सूजी। देखिए, आधा कप हम और ऐड कर देते हैं। तकरीबन 1.5 कप हमारे पास यहाँ बेसन चला गया और अभी हम 1.5 कप इसमें सूजी ऐड करेंगे। बस सूजी है और ये इसको मैंने नाप लिया कप से, तो ये 1.5 कप है, तो इसको अब ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारी सूजी भी ऐड हो गई। यहाँ पर मैं इसमें 4 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल ऐड करूँगी। आपने घी ऐड करना हो तो आप घी ऐड कर लें। थ्री और ये 4 टेबलस्पून, और इसको अच्छी तरीके से यूँ मिक्स करेंगे। ऑयल मुझे कम लग रहा है तो मैं 2 टेबलस्पून और ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 6 टेबलस्पून। तो पहले वाले मैं मिक्स कर चुकी हूँ और ये देखें, इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और फिर इसे पानी से थोड़ी सी बाइंडिंग कर देंगे। ऐसे करेंगे जैसे पानी से, देखें हमने ये भी मिक्स कर ली, और अभी पानी से गूंदेंगे जैसे आटा गूंदते हैं। देखें, यहाँ हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको गूंदेंगे, इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। ये देखें, देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी बाइंडिंग हो रही है, क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया है। ये देखें, ज़्यादा सख्त नहीं कीजिएगा, नॉर्मल रखिएगा। ये देखें, यहाँ हमने गूंद लिया और इसको ये देखें अच्छे से करके यहाँ पर हम, और इसकी अच्छी सी डो रेडी कर लेंगे। ये देखें, हमने यहाँ गूंद लिया है और इसको 10 मिनट वेट पे रखेंगे। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पेड़े आपके सामने बना के, तो यूँ मुठिया से बना के इसको तलेंगे। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ हमने पैन लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है, और ये कुछ हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं, बादाम है और किशमिश है, तो इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। तो जब तक हमारी डो रेडी होती है सूजी और बेसन की, तो तब तक इसे हम रेडी करके निकाल देते हैं, और साथ में शीरा तैयार कर लेंगे। और शीरे भी ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, इतना कि हमारे लड्डू की बाइंडिंग हो सके। देखिए, इसको हम भून के तो उतार देते हैं थोड़ी देर में। बस ये हो गए, पहले उतार देते हैं यहाँ पर। यहाँ हमने एक पैन लिया और इसमें 1.5 कप ही पानी डाला है, और ये 1.5 कप के करीब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो 1 कप ऐड हो गया, तो 1/2 कप हम और ऐड कर देते हैं। तो हर चीज़ जो भी क्वांटिटी हमने बराबर बराबर लिए, तो ये अभी हम ऐड कर देते हैं। ये 1/2 कप और चला गया, तो यहाँ हमारा शीरा रेडी हो जाएगा, और साथ में हमारी वो जो हमने ड्राई फ्रूट भून के निकाले थे वो ज़रा ठंडे हो जाएंगे। यहाँ पे शीरा हम नॉर्मली रखेंगे, ज़्यादा इसको 2 तार वाला या इतना थिक नहीं बनाएंगे कि हमारे लड्डू सख्त हो जाएँ, बस नॉर्मली रखेंगे। इसमें 1/2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें इलायची दाने ऐड कर देते हैं। ये देखिए, हमने ऐसी बनाई है ताकि चिपचिपापन आए, ज़्यादा तार 2 तार ऐसी हमने नहीं बनाई चाशनी, तो इसको हम यहाँ पर उतार देते हैं। ये देखें, यहाँ पर हो गए 10 मिनट, तो इसे हम थोड़ी थोड़ी, ये देखें ऐसी होगी क्वांटिटी, तो इसको हम हाफ़ कर लेते हैं। देखिए, हमने हाफ़ कर लिया और यूँ हम मुठियाँ बना लेंगे। यूँ देखें, यूँ करके सारी टोटल बना के आपको दिखा रहे हैं। हमने एक पैन लिया है और इसमें हमने ऑयल रखा है, ताकि हम जो लड्डू की मुठियाँ बना रहे हैं वो बेसन की, तो उसको हम यहाँ पर भून सकें। कुछ ऐसी हमने बनाई हैं, अगर आपने ऐसी बनानी हो तो ऐसी बना दें, नहीं तो गोल शेप में बना दें, जैसी भी, बस सिंपल बनानी है हमने। ये देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें हम ये जो मुठियाँ हमने बनाई थी बेसन और सूजी की, तो वो डाल देते हैं। टोटली हम डाल देंगे, साथ में यूँ पलटेंगे ताकि इनका सेम कलर आए। देखें, हमें जैसे कलर चाहिए था वैसे कलर आ गया। यहाँ फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर देते हैं। यह हमने डिश आउट कर दी, ये ठंडे हो जाएं तो इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के और ब्लेंडर में ब्लेंड करके, तो हम अपने लड्डू तैयार करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने इसको तोड़ लिए और अभी इसे मैं ब्लेंड करके तो मिलती हूँ। ये देखें, इसे हमने ब्लेंडर में पीस लिया है, और यहाँ पर ये हमने जो चाशनी बनाई थी, ये ना 1 तार की ना 2 तार की, बस नॉर्मल सी हमने रखी है और इतना वो नहीं किया। ये देखें, आप देख सकते हैं, देखें कोई तार वार की नहीं है, ऐसी नॉर्मल सी हमने बनाई है। और इसमें अभी हम यहाँ पर ये
जो हमने ड्राई फ्रूट भुने थे वो ऐड कर दिए, और थोड़ी सी यहाँ पर हमारे पास ये नारियल है तो ये आधा ऐड कर देंगे, और अभी इसे मिक्स करते हैं। यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने इसमें ये सब्ज़ी इलायची और ऐड की है, तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ऑप्शनल है, आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। ये देखें, ये कुछ इस तरह से हो गया। और अभी इसमें हम थोड़ी थोड़ी ये चाशनी ऐड करके, चाशनी के लिए बार बार, तो इसको हम यूँ करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से इसकी बाइंडिंग हो सके। तो मैं इसकी बाइंडिंग आपको करके दिखाती हूँ टोटली। ये देखें, ये कुछ इस तरह से हो गया, और इसके भी हम लड्डू बना के आपके सामने आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ मैंने कुछ बनाए, तो ये रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त, कितने मज़े का लग रहा है। व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से सूजी और बेसन के लड्डू रेडी हो गए, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं। और मैंने इन्हें नारियल के बूरे से गार्निशिंग किए, और ज़बरदस्त लग रहे हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।